और छत्तीसगढ़ के करीब 50 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है जो लगातार छात्र और उनके परिजनों के संपर्क में है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि बच्चों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के करीब 50 से अधिक जो छात्र हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जो भी हालात है उससे कहीं ना कहीं उनके परिजन और छात्र लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अपने राज्य वापस आना है। इस विषय में बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। सर, लगातार जो छात्र फंसे हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस आना है। जी, स्थिति चिंताजनक है और चिंताजनक इस बात से हो जाती है कि अगर रशिया ने ही अपने कर्मचारियों को अधिकारियों को कह दिया है कि वापस आ जाओ, यानी स्थिति अब गंभीर हो सकती है। ऐसे में वहाँ पढ़ रहे बच्चे, वहाँ व्यापारी, अन्य कार्य से वहाँ रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक, वो भी देश वापस आना चाह रहे हैं। सरकार प्रयास जरूर कर रही है। केंद्र सरकार ने भी अभी 3 हवाई जहाज जिस बाबत तैनात कर रखे हैं। आप लोगों ने जो नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं दिल्ली में, 33 लोग से ज़्यादा उनसे वो संपर्क कर चुके हैं और लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें वापस आना है। किस तरह का प्रयास रहेगा? केंद्र सरकार से संपर्क करके, क्योंकि स्वाभाविक है, देखिए टिकट बुकिंग हो जा रही है कि जो हैं एक के बाद एक जो बुकिंग कराते जा रहे हैं तो हवाई जहाज में जगह उतनी फिर भर जाती है, तो या तो हवाई जहाज बढ़ाने पड़ेंगे या उनको बताना पड़ेगा कि इतने समय के अंदर विंडो है। अभी युद्ध की स्थिति ऐसी नहीं पहुंची है कि वापस नहीं आ पाएंगे, तो उतना समय जरूर है। मेरे को लगता है उतने समय के अंदर निकल जाना चाहिए। अगर अभी जो बात आ रही है उसमें यह है कि एयरपोर्ट से तमाम छात्रों को वापस भेज दिया गया, वहाँ पर एयरपोर्ट ही बंद हो गया, हालात वहाँ पर काफ़ी चिंताजनक होते जा रहे हैं। धीरे चिंता की बात तो है, लेकिन वापस भेजने वाली बात तो अभी नहीं। अधिक संख्या में लोग अगर आ जा रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि एक दिन में अगर 1000 लोगों को 3 हवाई जहाज ले जा सकते हैं, यही हवाई जहाज को आप 3 गुना कर दीजिएगा तो एक हफ्ते के अंदर वो देश वापस आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे वहाँ फंसे हैं वो जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, हम लोग को पूरी उम्मीद है। और यहाँ सरकार के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी। उनका 7 रुपये कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं वो प्रदेश वापस लौट जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज़, रायपुर।